उनकी दाल गलने वाली नहीं है। क्या बात है। ओहो बॉस नो पंगा बिग बॉस। ओ इधर तो पूरे बड़ा यूनिफॉर्म इनको सूट करता है। ये अपने जवानों को बड़ा सपोर्ट करते हैं। हमें दुबई के अंदर हमने मंदिर बनवा दिया। क्या बात है। एक मुस्लिम ये बोल रहा है यार। आज हिंदुस्तान का नाम हो रहा है मोदी जी हो रहा है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। भारतीयों को वो भी 30% लोग 70% मुसलमान समझ चुका है। आज मोदी जी का साथ रहेंगे। अच्छी बात है भैया जी। हमारे भी तो 57 मुल्क है मुसलमानों के। अगर एक हिंदू भाइयों को मिल जाता क्या है भैया जी। हाय अब जान गुंडागर्दी खत्म हो गई योगी जी के राज में आके। सारी दुनिया परेशान है साइबर सिक्योरिटी। युवा माया क्या मेरा हिंदुस्तान का नौजवान है। दुनिया को चैन की नींद सोने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इनोवेशन लेकर जा सकता है। Wake up to reality. इतना बढ़िया भाषण करती है जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या। तो लड़ोगी। सही बात। हम इंस्पायर होते हैं सर। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर ये हमारा सौभाग्य है। सब महिलाएं तालियां बजाएगी। सही बात है। महिलाओं को बड़े सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। ओए वाकई मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस जो कन्याकुमारी से वाराणसी और वाराणसी से कन्याकुमारी की यात्रा को पूरा करेगी उसे रवाना करने का आदेश दें। वाह कदम और प्रगाढ़ संबंधों की ओर। नवी ट्रेन चला नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों मोदी जी को चुना जाए। देश में 9 सालों में ऐसे ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो कभी सोच भी कोई नहीं सकता था। जैसे 370 राम मंदिर 3 तलाक और हर क्षेत्र में काम हुए हैं। चाहे रेल का क्षेत्र हो सेना का क्षेत्र हो रोड का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें वो हाथ नहीं लगाए हो। और इतना विकास हुआ है कि 10 साल में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है। अब रोड का क्षेत्र देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का। बॉर्डर पे कभी रोड नहीं बनता था वो आज बॉर्डर पे रोड का जाल बिछा हुआ है। सेना को हथियार नहीं मिलते थे आज सेना को इतना है कि सेना एकदम मैंने पूरे विश्व में सबसे मजबूत सेना बनने जा रही है। ओहो
नोबेल। बॉस बॉस कहता है तो बॉस यहाँ शानदार एयरपोर्ट बनाने की फैशन तो है, लेकिन मोदी जी दुनिया कुछ अलग है। जहाँ गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति जाता है, मैं उस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से भी बढ़िया बना दूंगा। ओए होए 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 यार मजा आया। रेलवे स्टेशन ये देखो बढ़िया बना के वहां का देखो खाया और बाकी है? नहीं 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 भी है आप जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए, उन्होंने देखा होगा कितने आम बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था। लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था और सब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, देखते हैं किसने अपनी माँ का क्रोध किया है। लाल चौक में आके तिरंगा फहरा था और सब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुने, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। अब हिम्मत हो तो ऐसी। आज पूरी दुनिया में जिस बीजेपी को आज से 5 साल पहले कोई सूंघता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी, जिसका नाम तक लोग ये देख रहे थे, अब इनके पास कोई सामान ही नहीं बचा, पूरा दृश्य बदल दिया। एक आदमी ने फील्ड में उतर के नजारा ही बदल दिया। फील्ड का परीक्षण है ये फील्ड का परीक्षण है, ये फील्ड का परीक्षण है कि 5 साल में एक दिन रेस्ट नहीं रहे। बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मतलब छींक छांक फूंक फूंक मोदी जी के अपने से करते जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको मान होने का भी टाइम। क्या सवाल दिखती भाई, ये है शॉट भाई, बंदे ने बात सही बोली। याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। गारंटी जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार अम्मी कैसी वीडियो लगी है, बड़ी मजेदार किस्म की वीडियो थी सच्ची में। क्या बात इन्होंने की है, मुझे एक बात इनकी बड़ी ही अच्छी लगी है इस वीडियो में। उन्होंने बोला है कि जो मतलब गरीब लोग होते हैं ना अम्मी, वो एयरपोर्ट पे आपको पता है कि नहीं जा सकते, मतलब कि वो जहाज पे ट्रेवल नहीं कर सकते, तो मैं जो है ना रेलवे स्टेशन में तो आपको पता है हर कोई जा सकता है, वहां पे तो ट्रेवल कोई ना हर कोई करता ही करता है, तो मैं रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट से बेहतर बना के दिखाऊंगा। तो हमने देखा भी वीडियो में, सच्ची में उन्होंने रेलवे स्टेशन जो है ना, मैंने जब देखा मुझे यकीन नहीं आया कि यार ये रेलवे स्टेशन, ऐसा लग रहा था कि जैसे एयरपोर्ट से भी आगे उन्होंने कोई चीज बना दी हुई है।
तो यार जो बात कहो वो करके दिखाओ। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि हर पॉलिटिशियन जो बात बोले वो करके दिखाए तो वाम को यकीन आता है। अगर वोट लेना है ना आवाम उसके पीछे जाती है। सही बात है, इसीलिए तो मोदी जी के पीछे आवाम इतनी ज्यादा लगी हुई है। क्यों लगी है? क्योंकि उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अपनी हर फील्ड में उन्होंने काम करके दिखाया। और यार बहुत ऐसे ऐसे काम किए हैं जो दूसरी गवर्नमेंट कभी नहीं थी कर सकती, इन्होंने करके दिखाया। लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। बाहर की कंट्रीज में भी इनकी बड़ी इज्जत है, इनको द बॉस बोला जाता है। वहां पे जाके इतनी इज्जत कमा ली है इन्होंने। वहां से लोग यहाँ पे आते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। तो यार ये सही बात है, ये इंडिया की मतलब पीएम का ही सब काम है जो इतने लोगों को खींच के अपने कंट्री में ला रहे हैं। और अपनी कंट्री की जो जीडीपी है उन्होंने कई हिस्से बढ़ा दिया है लोगों को। तो फिर आते हैं लोग इतना, बिल्कुल लोगों को इज्जत दी, मोहब्बत दी और सिक्योरिटी उनको दी है। भाई हमारे कंट्री में तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता, हमारे हालात ही ऐसे हैं, रोटी दो टाइम की पूरी नहीं हो रही, तो वो कहाँ से होना है। तो वीडियो बहुत अच्छी लगी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।